and thank you all for being part of this special music launch. ये music launch special इसीलिए है because पहली बार एक music album दो भाषाओं दो languages का mix लेकर आ रही है और गाने वो बहुत अच्छे लगते हैं जो सुनते ही दिल को छू जाए. कशिश एक ऐसी ही एल्बम है जिसमें 4 गाने हैं, 2 हिंदी और 2 मराठी. इस एल्बम के बारे में और बताने के लिए मैं विवेक गुप्ते जी को यहाँ बुलाना चाहूंगी. He is the everything, pretty much everything of. Why are you saying no? I'm calling everyone. I would like to call Mr. Amit Deshpande here. We have all multi-talented people. एक जना बहुत सारे काम करता है. That's why I'm calling them multitasker. And also Resham. Resham is a beautiful actress जिन्होंने 2 गानों का हिस्सा है, 2 म्यूजिक वीडियोस हैं और 2 ऑडियोज हैं. सबसे पहले तो हम इस एल्बम के बारे में जानना चाहेंगे. कशिश क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, खास करके मेरे जो खास मेहमान है जो मेरे एक बुलावे से इधर आ गए. हमारे बीच एक ऐसी हस्ती है जो जिनकी ज़िंदगी मोहम्मद रफ़ी किशोर कुमार इनके बीच गुजरी है. उनका नाम है अनुराधा कुडालकर. आप सबको लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी तो पता होगी. उसमें से लक्ष्मीकांत जी जो थे उनके बड़े भाई शशिकांत कुडालकर जो उनके म्यूजिक अरेंजर रह चुके हैं उनकी पत्नी है अनुराधा जी. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग. हमारी आज की दूसरी स्पेशल गेस्ट है जिनकी परफॉर्मेंसेस के लिए तालियां सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बट अमेरिका में और पाकिस्तान में भी बजी है. साधना जेजुरीकर जी जो एक फेमस गज़ल सिंगर है और मुझे मौका मिला था उनके साथ काम करने का, उनका वीडियो डायरेक्ट करने के लिए पिछली बार. इसके साथ चलो आगे बढ़ते हैं कशिश की तरफ. कशिश एक अट्रैक्शन है, एक जिद थी, एक जुनून था सर पे कुछ कर दिखाना है और ये इस जुनून की नींव रखी थी मिस्टर प्रफुल्ल देशपांडे जो अमित देशपांडे के पिताजी हैं. थैंक यू सर. उन्होंने जस्ट एक हमें थॉट दिया था कि कुछ एल्बम बनाया जाए बिकॉज अमित देशपांडे काफ़ी टैलेंटेड सिंगर है जो यूएस में जॉब करते हैं, उधर रहते हैं. बट बजाय इसके कि वो बाय प्रोफेशन सॉफ्टवेयर डेवलपर है, यूएस में जाके पढ़ाई करने के बाद उन्होंने क्लासिकल संगीत की काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग ली है और उसके बदौलत वो पिछले 6 सालों से यूएस में प्रोफेशनली सिंगिंग शोज़ कर रहे हैं और उस प्लेटफॉर्म से लेके इस प्लेटफॉर्म तक उनका सफ़र जो भी रहा, आई थिंक वही बोले तो अच्छा है. बट वो बेसिस था हमारे इस थॉट का कि हम लोग कुछ कर दिखाएं, कुछ एल्बम की तौर पे बनाएं और वहीं से शुरू हुई ये कशिश. मैं आगे की बातों के लिए अमित को मैं बिल्कुल मुझे लगा था मल्टीटास्कर हैं, मैंने इससे बोला था क्योंकि फीचर भी किया है इन्होंने, गाना भी गाया है, प्रोड्यूस भी किया है, लेकिन अभी अभी इन्होंने बताया आप इंजीनियर भी है, सॉफ्टवेयर डेवलपर. एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप वक्त निकाल के मेरे लिए आए, स्पेशली द चीफ गेस्ट एंड द मीडिया. थैंक यू वेरी मच. सिंगिंग का शौक़ मुझे बचपन से था. स्कूल से ही मैंने फॉर्मल ट्रेनिंग स्कूल से नहीं शुरू की, फिर भी प्रोग्राम्स, इंटर कॉलेज प्रोग्राम्स, कल्चरल शोज़ मैं पहले से पार्टिसिपेट करता आ रहा हूँ. कॉलेज में मैंने कंटिन्यू किया लेकिन मेरा असली ट्रेनिंग जो है वो अमेरिका में जाके शुरू हुआ. मृणालिनी जी अरकाटकर जो मेरी गुरु है वो मिशिगन में मैं जहाँ रहता हूँ वहीं रहती है और कई साल से वो हिंदुस्तानी क्लासिकल का ट्रेनिंग देती आ रही है. तो उनसे मैं अभी भी ट्रेनिंग ले रहा हूँ. उनकी वजह से मुझे वॉइस कल्चर, परफॉर्मेंस, सिंगिंग टेक्निक, इसका काफ़ी ज्ञान और नॉलेज मुझे मिला. तो थैंक्स टू हर. और वहाँ जाके मैंने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स किए. मेरी खुद की एंटरटेनमेंट कंपनी है, हम काफ़ी सारे फंड रेजर शोज़, छोटे बड़े काफ़ी सारे प्रोग्राम्स करते हैं यूएस में मैंने चंद प्रोग्राम्स I got to know Vivek Gupta, very interesting personality, very colorful personality. तो उन्होंने कई गाने पहले भी लिखे हुए हैं, कई अच्छे नगमे लिखे हुए हैं, और कशिश के लिए जो हमारी जो जर्नी है, हमारा जो इसका काम जो शुरू हुआ गए एक साल से, करीब एक साल से, तो उन्होंने कई अच्छे नगमे लिखे इसके लिए और मुझे सुनाए और मुझे सुनते ही बहुत पसंद आए। इसमें 2 मराठी और 2 हिंदी सॉन्ग्स हैं, तो थोड़ी सी ये स्पेशल अलग कोशिश थी मल्टीलिंगुअल एल्बम बनाने की। तो जो उन्होंने जो गानों से जो अपने विचार, जो अपने थॉट्स जो पेश किए हुए हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत सिंपल है, वो सुनते ही दिल को छू जाते हैं, ऐसे गाने हैं। तो jeans missing ho gayi, but yes, I love to act and model, and it was a privilege and a good opportunity to work with your own family, so yes, I had a lovely time, and yeah. But working with family sometimes it could be tough. aapko sets pe kaise manage karte the sab log, matlab thoda pyar se rakhte the ya professional ekdam time pe zyada hi pyar se rakhte the, I guess, and professional time pe I think even I was professional because yeah, so it was, yeah, I had a good time. हमने shoot भी कर लिया, थोड़ी मस्ती भी कर ली, and professionally सब काम भी हो गया, so it was a good mix of everything. How was your experience overall? पहली बार ऐसा हुआ एक एल्बम में 2 हिंदी और 2 मराठी गाने, मतलब 2 अलग-अलग लैंग्वेजेस के गानों को मिक्स करके एक एल्बम बनाई गई है। How was your experience while shooting 2 different songs in 2 different languages? Yeah, see, this was my first experience with a Marathi song, so. Yeah, मतलब I think because I'm a Maharashtrian too, so it was easier to ऐसे नहीं था कि okay I'm not understanding what's happening, and so yeah, that way it was a good experience in itself, something new, something also that I know, so मजा आया, nothing difficult that. विवेक जी, आप ये किसका आइडिया था दोनों लैंग्वेजेस को मिक्स करना, एंड आई थिंक ये बहुत नई चीज है, आप लोगों ने कैसे डिसाइड किया? मेरे ख्याल से शुरुआत हुई थी मराठी गानों का एल्बम बनाने के लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हालांकि मैंने जो मेरा पहला काम किया, और मैंने आई बीन अ लिरिसिस्ट एंड अ कंपोजर बाय हॉबी, नॉट बाय प्रोफेशन। आई हैव बीन इनटू अ कंप्लीटली डिफरेंट प्रोफेशन ऑल टुगेदर। मैंने ज़्यादातर हिंदी ही गाने लिखे, जो मेरे पहले गाने जो सुरेश वाडकर जी ने गाए हुए हैं, या अमेय दत्ते ने गाए हुए, या पद्मा जी ने गाए हुए। तो मुझसे एक्चुअली वो रहा नहीं गया सिर्फ मराठी बनाना, और ये एक तौर पे एक एक्सपेरिमेंट था कि पहली बार चलो कुछ अलग करते हैं, तो हम लोगों ने सोचा कुछ मराठी ऑडियंस के लिए भी बनाया और कुछ हिंदी ऑडियंस के लिए भी बनाया। तो दैट्स हाउ वी केम टू अ कंक्लूजन कि इसमें ओरिजिनली 3 मराठी और 3 हिंदी गानों की आइडिया थी, बट हमारे प्रोड्यूसर साहब और एक्टर साहब 1 महीने के लिए USA आए हैं, तो उतना टाइम भी नहीं था। और आज का दिन मेरे ख्याल से एक अच्छा दिन है। गणपति बप्पा के नाम पे हम लोगों ने सोचा कि आज ही के दिन ये रिलीज किया जाए, बजाय इसके कि आज रात को ही इनकी फ्लाइट है वापस US जाने के लिए। तो या, सो आई थिंक दैट आंसर्स द क्वेश्चन। मुझे यहाँ पे आके याद आ रहा है कि हमारा एल्बम यहीं पे लॉन्च हुआ था, और मेरा एल्बम उस हरिहरन साहब ने किया था। ही वॉज देयर एंड पंडित विश्व मोहन भट्ट वॉज देयर, पिनाज माई फ्रेंड हु इज ऑफन परफॉर्मिंग विथ मी, एंड इट्स अ प्रिविलेज टू बी हियर टुडे विथ एल्बम विथ विवेक जी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड सच मोर सॉन्ग्स टू डू विथ विवेक। इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, और मैं बहुत बहुत आपके एल्बम के लिए बधाई देती हूँ और है ना, थैंक यू वेरी मच। अभी तक जो भी गाने किए ज़्यादातर रोमांटिक सॉन्ग्स ही रहे हैं। थोड़े दुख भरे गाने मैंने अभी तक किए नहीं और करना भी नहीं चाहूँगा। और बट इंस्पिरेशन यही था कि कुछ एक अच्छा करने की कोशिश है। और शुरू से ही एक लड़का और एक लड़की ये स्टोरी दिमाग में थी, तो उसी स्टोरी पे ध्यान रखते हुए ये बनाएगा। रेशम जी, आप यू आर स्टडिंग इन द वीडियो, क्या कहना चाहेंगे कैसा अनुभव था और अमित जी के बारे में व्यक्ति कैमरा क्या कहेंगे, कैसे किस तरह से? बहुत ही बढ़िया कॉम्पोजिशन और ऑफ कोर्स सिंगिंग, एक्टिंग सब कुछ किया है। दोनों ने मिलकर एक बहुत ही अच्छी टीम बनाई एंड दैट वाज रियली नाइस टू लाइक आपने भी देखा कि हाउ द सॉन्ग्स हैव टर्न्ड आउट टू बी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फैमिली है तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस ओवरऑल। कोई अनकंफर्टेबल फीलिंग नहीं थी या यू नो ऐसे नहीं था कि oh I have to you know how will I do this or you know if they want anything। बहुत ही अच्छा communication रहा हम सबके बीच में and that made it easy for us and a very fun experience। सो मेरी हमेशा से कोशिश यही रही है कि मेरा ये मानना है कि जब भी कोई गाना बनाओ तो ऐसा बनाओ कि विद इन अ मिनट लोगों के मुंह में आ जाए। बिकॉज कई गाने होते हैं जो टेक्निकली बहुत अच्छे होते हैं, नो डाउट बहुत क्लासिकली एडवांस्ड होते हैं, बट आम आदमियों को समझने में काफ़ी तक मतलब देर लग जाती है या उनको गुनगुनाने में तकलीफ होती है। तो वो हम लोग ने थोड़ा अवॉइड किया। और मेरी कोशिश हमेशा से यही रही कि ऐसे गाने बनाओ जो इमीडिएटली मास्टर्स के मुँह में आ जाए। ओके, लिखा बड़ा अच्छा गया, क्या जहन में था जब लिखा जा रहा था? जहन में बहुत सारी बातें होती हैं। जब कोई कवि लिखता है तो अभी सारी बातें तो उधर नहीं बताई जा सकती, बट जैसे मैंने पहले भी कहा, एक लड़का और एक लड़की की स्टोरी, एक दास्ता पूरी। अगर आप चारों गाने सुनो तो चारों गाने एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, पूरी ज़िंदगी के अलग अलग पल बयां करते हैं। तो वो स्टोरी थी। अमित, क्या कहना चाहेंगे और कैसे एक्सपीरियंस रहा? और ये अपने आप में बहुत नायाब चीज़ है, एल्बम हमने बहुत देखी है, जी मराठी हिंदी का मिश्रण, ये अपने आप में समथिंग यूनिक। और कशिश जो गाना है, उससे पहले जो गाना चला उसके बाद कशिश चला, बहुत 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 अच्छे लगे। जी जी। तो जैसे विवेक जी ने बताया, पहली बात तो आप इसे एक फैमिली एल्बम कह सकते हैं, क्योंकि विवेक जी मेरे ब्रदर इन लॉ है, रेशम मेरी कज़न है, तो इन सब के साथ काम करने में बहुत मज़ा आया एंड आई वाज वेरी मच एट ईज़, क्योंकि ये वैसे मेरा पहला डेब्यू प्रोफेशनल एल्बम है। तो विवेक से काफ़ी गाइडेंस मिला मुझे रिकॉर्डिंग के दौरान, कैसा फील चाहिए आपको, कैसी आवाज़ चाहिए, कैसा टोन चाहिए। और जैसे विवेक जी ने बताया, ये एल्बम एक स्टोरी है, तो इसलिए वो चार गाने कनेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो इसलिए वो दो पहले तो मल्टीलिंगुअल एल्बम बनाने की कोशिश ये हमारे दिल में पहले से थी, और उसमें भी ये गाने जो इतनी खूबसूरती से और सिंप्लिसिटी से बनाए हुए वो कोई भी आसानी से गुनगुना सकता है ऐसे गाने। Let's hope for the best, of course. खुद के मुँह से कुछ कहना नहीं चाहूँगी, but of course it's a thank you. Me too. Thank you. Yes. Yeah, I feel flattered. Thank you. It's a good start. Yes. Honestly, I have been a huge fan of album songs. अगर आप देखें, movie songs तो एक होते ही है, but album song का feel ही कुछ एक अलग होता है. You know, it takes you somewhere else. और I've always loved listening to album songs, so I'm also happy to be a part of it. And yeah, I think you guys have done a great job, guys. एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा रेशम के बारे में, is वो खुद एक प्रोफेशनल मॉडल और एक्ट्रेस है, इसलिए इसकी वजह से उसने मुझे काफ़ी ऑन स्क्रीन बहुत हेल्प की। ये बहुत बड़ी बात है कि नॉर्मली मॉडल होते हैं वो खुद के बारे में बहुत सोचते हैं कि मैं कैसे दिखूंगी, लेकिन इसने बहुत सपोर्ट किया ऑन स्क्रीन, इसकी वजह से वो जो कंफर्ट लेवल है वो हो पाया। ये एक पहली स्टेप बोल सकते हैं। ख्वाहिश तो बहुत है, थैंक यू, ख्वाहिश तो बहुत है, लेकिन ये पहली कोशिश बोल सकते हैं। होपफुली अगर भगवान ने चाहा तो और भी। लास्ट में सर दो लाइनें अगर गुनगुना दें हमारे ऑडियंस के लिए, मराठी गाना गा। धुंद ही वेगळी स्वप्न सजवी मना, धुंद ही वेगळी। करने के लिए और अमित जी के बारे में और रेशम जी का क्या? अमित बहुत सालों से गाना गाते आ रहे हैं और मैं आज बहुत खुश हूँ बिकॉज हम लोग इस दिन के बहुत दिनों से हम लोग इस दिन के लिए वेट कर रहे थे। और दोनों अमित और विवेक दोनों भी बहुत हार्डवर्किंग है और मैं आज बहुत खुश हूँ। विवेक जी ने शुरू किया था काफ़ी साल पहले कंपोजिशन एंड करना, तो आज मैं जब देखती हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सब आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट द एंटायर कमिटी ऑफ कशिश। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है ये कि इतने सारे लोग देखेंगे और सबकी मेहनत है इसमें, सब लोगों ने काफ़ी मेहनत की हुई है। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि सब लोग हमारे गाने सुने और अगर आपको कोई फीडबैक हो तो दे हमें, कमेंट्स पोस्ट करें और हम लोग और भी अच्छा करने की कोशिश ज़रूर करेंगे।